फाइनली जिमनाई का स्टूडेंट ऑफर इंडिया में आ चुका है। अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो तो आप इसे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट 1 ईयर के लिए क्लेम कर सकते हैं, जिसमें आपको मिलेगा गूगल AI प्रो प्लान, जिसके अंदर होगा View 3 का एक्सेस, साथ में आपको मिलेगा 2 TB का स्टोरेज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट 1 ईयर के लिए। इन सभी को मिलाकर इसका वैल्यू बनते हैं 19,500 रुपये, जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। साथ में गूगल फ्लो इंडिया में आ चुका है। इस वीडियो में आप जानोगे किस तरीके से इस प्लान को एक्टिवेट करने के बाद फ्लो को एक्टिवेट करेंगे, उसके बाद आप View 3 को कैसे एक्सेस कर पाएंगे फ्लो के ज़रिए, आइए जानेंगे इस वीडियो में। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आप अपना ब्राउज़र ओपन कर लेंगे, जिसके अंदर एक Gmail ID को कर लेंगे लॉगिन कुछ इस तरीके से। फिर आप यहां पर आकर सर्च करोगे Gemini स्टूडेंट ऑफ़र, तो कुछ इस तरीके से आपके सामने आ जाएंगे सर्च रिजल्ट। आप इस लिंक में क्लिक करोगे तो आप कुछ इस तरीके से इस पेज में आ जाओगे। इसके बाद इस ऑफ़र को क्लेम करने के लिए आप यहाँ पर क्लिक करोगे गेट ऑफ़र, तो आप कुछ इस तरीके से इस पेज में आ जाओगे। अगर आपके Gmail ID में यह ऑफ़र ना दिखे तो आप Gmail ID चेंज करके दोबारा ट्राई करेंगे, या फिर न्यू Gmail ID क्रिएट करेंगे तो आपके केस में भी कुछ इस तरीके से यह ऑफ़र दिख जाएगा। इसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, सीधा आप यहाँ पर क्लिक करोगे वेरीफाई एलिजिबिलिटी, तो आप रिडायरेक्ट होकर कुछ इस तरीके से इस पेज में आ जाओगे। इसके बाद आपको यहाँ पर अपना स्टूडेंट प्रूफ वेरीफाई करना होगा। यहाँ पर अपना कॉलेज का नेम सर्च करेंगे, आपका जो भी कॉलेज है आप यहां पर उस कॉलेज का नेम टाइप करेंगे कुछ इस तरीके से, तो आपके केस में भी कुछ इस तरीके से आपका कॉलेज आ जाएगा और अपना कॉलेज को कर लेंगे सेलेक्ट। इसके बाद आप यहां पर टाइप करेंगे अपना फर्स्ट नेम, ध्यान रहे आपके ID कार्ड में जो नेम है आपको वही नेम यहां पर टाइप करना है, आप स्पेलिंग मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करोगे, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। इसके बाद आप यहाँ पर टाइप करेंगे लास्ट नेम, फिर यहाँ से कर लेंगे सेलेक्ट अपना डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपके ID कार्ड में है वही डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। सबसे पहले यहाँ पर चूज़ करेंगे मंथ, फिर डे, उसके बाद ईयर, इसके बाद करोगे नीचे स्क्रॉल। इसके बाद आपसे कहेगा कि यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस टाइप करें, ध्यान रहे आपको यहाँ पर EDUMAIL नहीं टाइप करना है, आपको टाइप करना है अपना Gmail ID। Gmail ID टाइप करने के बाद आप यहाँ पर क्लिक करोगे वेरीफाई स्टूडेंट स्टेटस। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप स्टूडेंट नहीं हो और फिर भी चाहते हैं आप इसे क्लेम करना, तो आप मुझसे WhatsApp में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपका अकाउंट वेरीफाई करके दिया जाएगा, आप जितना चाहो उतना अकाउंट मुझसे वेरीफाई करवा सकते हो, जिसके लिए आपको सर्विस चार्ज पे करने होंगे 490 रुपीज़, यानी कि 490 रुपये। आपका अकाउंट आधे घंटे के अंदर एक्टिवेट करके आपको दे दिया जाएगा। तो चलिए अब टॉपिक पर वापस आते हैं। आप यहाँ पर क्लिक करोगे वेरीफाई स्टूडेंट स्टेटस, इसके बाद आप रिडायरेक्ट होकर कुछ इस तरीके से इस पेज में आ जाओगे। इसके बाद आपको यहाँ पर स्टूडेंट प्रूफ अपलोड करना है। आपके पास यहाँ पर कुछ इस तरीके से सजेस्ट किया हुआ है कि आप यहाँ पर कौन सा डॉक्यूमेंट को अपलोड कर सकते हैं। मैं रिकमेंड करूँगा आप यहाँ पर अपना कॉलेज ID अपलोड कीजिए, यह बेस्ट है, या फिर आपके पास इनमें से जो भी डॉक्यूमेंट अवेलेबल है आप उसको अपलोड कर सकते हैं। हम यहाँ पर क्लिक करेंगे ऐड डॉक्यूमेंट्स, इसके बाद आपका ID कार्ड जहाँ पर भी रखा हुआ है आप अपने फाइल से उसको कर लेंगे सेलेक्ट। ID कार्ड का इमेज को फाइंड करने के बाद आप यहाँ पर क्लिक करोगे ओपन, तो कुछ इस तरीके से आपका ID कार्ड का इमेज अपलोड हो जाएगा। ध्यान रहे आपका ID कार्ड का फ्रंट पार्ट एंड बैक पार्ट दोनों हैं, तो आपको पहले फ्रंट कार्ड अपलोड करना है, उसके बाद आपको यहाँ पर ऐड डॉक्यूमेंट से बैक पार्ट भी अपलोड कर देना है। इसके बाद सीधा यहाँ पर क्लिक करोगे सबमिट, तो कुछ इस तरीके से आपके केस में भी यहाँ पर प्रोसेसिंग में चल जाएगा, आपको यहाँ पर कुछ सेकंड वेट करना है। अगर आपके केस में कुछ इस तरीके से यहाँ पर रिव्यू में चला जाए तो आपको वेट करना है 10 से 15 मिनट, फिर आप यहाँ पर आकर दोबारा इसे करोगे रिफ्रेश, तो कुछ इस तरीके से दोबारा दिखाएगा प्रोसेसिंग में। इसके बाद आपको अपना Gmail चेक करना है कि क्या अपडेट आया है, अप्रूव हुआ है कि रिजेक्ट हुआ है, आपको यहाँ पर मेल रिसीव हो जाएगा। फिलहाल अभी हम वेट करते हैं 10 से 15 मिनट, फिर दिखाते हैं आपको आएगा स्टेप। करीब 30 मिनट से ज़्यादा वेट करने के बाद फाइनली हमारा स्टूडेंट वेरीफिकेशन सक्सेसफुली हो चुका है। अब हम यहाँ पर जाते हैं तो कुछ इस तरीके से आपके केस में भी कुछ इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगा You have been verified। इसके बाद आप यहां पर क्लिक करोगे गेट गूगल AI प्रो, तो आप कुछ इस तरीके से इस पेज में आ जाओगे। अब आपको यहां पर क्लिक करना है गेट स्टूडेंट ऑफर, फिर यहां पर अपना आपको पेमेंट मेथड ऐड करना है। यहां पर आप UPI चूज़ कर सकते हैं या फिर अपना कार्ड, मैं यहां पर चूज़ कर लेता हूं कार्ड। ऐड कार्ड में क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपके सामने ये पेज आ जाएगा। यहां पर अपना कार्ड नंबर टाइप करेंगे, कार्ड नंबर यहां पर डालते ही आपसे यहां पर और भी इन्फॉर्मेशन मांगेगा। यहाँ पर आपको अपना कार्ड नंबर का एक्सपायर डेट टाइप करना है। पहले आप यहाँ पर मंथ टाइप करेंगे, फिर ईयर, इसके बाद यहाँ पर टाइप करेंगे CVV,
अगर आपने मुझसे कार्ड मेथड बाई किया है तो आप यहाँ पर उस कार्ड को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो कार्ड आपका यहाँ पर एक्सेप्ट हो जाएगा। या फिर अगर आपको एक सिंगल कार्ड बाई करना है तो आप मुझसे व्हाट्सएप में कॉन्टैक्ट कीजिए, आपको एक कार्ड काफ़ी चीप प्राइस में मिल जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पर अपना कार्ड होल्डर का नेम टाइप करोगे। ध्यान रहे, आप जिस नेम से आईडी कार्ड को वेरीफाई किए हो आपको वही नेम यहाँ पर टाइप करना है। इसके बाद हमारा यहाँ पर कंट्री रहेगा इंडिया, फिर यहाँ पर अपना स्टेट को चूज़ कर लेंगे और सीधा यहाँ पर क्लिक करोगे सेव में, तो कुछ इस तरीके से आपके केस में भी कार्ड हो जाएगा सेव। साथ में यहाँ पर रहेगा 12 मंथ फ्री ट्रायल। अगर इस प्लान का वैल्यू की बात किया जाए तो ये प्लान आपको मिलेगा 1950 रुपये वाला जो प्लान है वही प्लान आपको मिलेगा 12 मंथ के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। साथ में आपको ध्यान रखना है कि आप यहाँ पर जो भी कार्ड ऐड करोगे आपके अकाउंट में 2 रुपीज़ होना चाहिए, क्योंकि हो सकते हैं कि आपके अकाउंट से यहाँ पर 2 रुपीज़ डिटेक्ट हो कार्ड वेरीफाई करने के लिए, या फिर कुछ केस में $1 भी करते हैं, इसलिए आप अपने अकाउंट में मिनिमम 100 रुपीज़ ज़रूर रखोगे। इसके बाद आप सीधा यहाँ पर क्लिक करोगे सब्सक्राइब, तो कुछ इस तरीके से आपके केस में भी आपका सब्सक्रिप्शन सब्सक्राइब हो जाएंगे। इसके बाद आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आप कुछ इस तरीके से रिडायरेक्ट होकर इस पेज में आ जाओगे। यहाँ पर दिख जाएगा आपको कि आपका स्टूडेंट प्लान एक्टिवेट हो चुका है। इसके बाद आप यहाँ पर क्लिक करोगे गो टू जिमनाई, तो आप कुछ इस तरीके से रिडायरेक्ट होकर जिमनाई के पेज में आ जाओगे। अब आपका जिमनाई प्रो अकाउंट एक्टिवेट है, साथ में यहाँ से आप VO3 को भी एक्सेस कर पाएंगे। इसके बाद आपको फुल VO3 को एक्सेस करने के लिए आपको जाना होगा गूगल फ्लो में। आप यहाँ पर आकर टाइप करोगे फ्लो, तो कुछ इस तरीके से आपके सामने आ जाएगा सर्च रिजल्ट। आप यहाँ पर क्लिक करोगे, इसके बाद आप यहाँ पर क्लिक करोगे क्रिएट विद फ्लो, फिर आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर क्लिक करना है साइन इन विद गूगल। इसके बाद आप यहाँ पर क्लिक करोगे नेक्स्ट, फिर इसे करेंगे नीचे स्क्रॉल और इसे करेंगे कंटिन्यू। इसके बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे गेट स्टार्टेड, तो आप कुछ इस तरीके से फ्लो का पेज में आ जाओगे। साथ में आपके केस में भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा AI क्रेडिट्स 1000। अब आप इन AI क्रेडिट्स का यूज़ करके VO3 से वीडियो जनरेट कर पाएंगे। आप यहाँ पर क्लिक करोगे न्यू प्रोजेक्ट, इसके बाद यहाँ से आप सेलेक्ट कर लोगे मॉडल VO3, अपने हिसाब से यहाँ पर चूज़ कर लोगे आपको यहाँ पर कौन सा मॉडल यूज़ करना है। तो आप जान चुके हो किस तरीके से जिमनाई का स्टूडेंट प्लान लेंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप स्टूडेंट नहीं हो और आपको अकाउंट खरीदना है तो आप मुझसे व्हाट्सएप में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। साथ में यहाँ पर आपके केस में भी कुछ इस तरीके से वेलकम मेल आ जाएगा। आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर दिख जाएगा जिमनाई प्रो प्लान। इसके बाद अगर आप यहाँ पर नीचे करोगे स्क्रॉल तो यहाँ पर आ जाएगा पूरा प्लान का डिटेल्स, आपको क्या क्या मिला है। अगर आपको अपना अकाउंट बनवाना है तो आप मुझसे व्हाट्सएप में कॉन्टैक्ट कीजिए, जिसके लिए आपको अपना जीमेल आईडी देना होगा एंड सर्विस चार्ज 490 रुपीज़ पे करने होंगे, तब जाकर आपका अकाउंट वेरीफाई करके दिया जाएगा विदाउट एनी स्टूडेंट प्रूफ। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड अगर आप न्यू हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।